तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री जेनरिक इलेक्टिव सेमेस्टर 2 16-19 सेशन में पूछा गया पेपर। ठीक है, इतिहास जेनरिक पेपर सेमेस्टर 2 के लिए 16-19 सेशन में पूछा गया था। और इसमें आपको प्राचीन इतिहास, ठीक है, मौर्य काल से लेकर के आपका 1206 तक का इतिहास है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले 10 ऑब्जेक्टिव हैं, उसके बाद आपके 5-5 मार्क्स के हैं, देन सब्जेक्टिव है। तो चलिए, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि अपना राज्य वैभव त्याग कर किस राज्य में चले गए चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपना राज्य वैभव छोड़कर दोस्तों वे कर्नाटक राज्य में चले गए थे। इन विच स्टेट चंद्रगुप्त वेंट आफ्टर डिपार्टिंग हिज स्टेट ग्लोरी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक। कर्नाटक यहाँ पे नहीं है तो मैसूर दे देंगे, क्योंकि मैसूर जो है कर्नाटक में ही स्थित है। ठीक है, और अंतिम समय में ये कौन सा धर्म अपनाए थे ये भी पूछा जा सकता है, तो जैन धर्म को अपना लिए थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे अरे भाई साहब थोड़ा सा अच्छा चलो यार, पुष्यमित्र सुंग का उत्तराधिकारी कौन बना। दोस्तों पुष्यमित्र सुंग जब सुंग वंश के शासक, ठीक है, महानतम शासक थे पुष्यमित्र सुंग, और जब उनकी डेथ हो जाती है तब उसका बेटा अग्निमित्र, ठीक है, कौन, अग्निमित्र उसकी गद्दी पर बैठता है। आगे देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि मूर्तियों के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ किस शैली के लिए हुआ। तो दोस्तों इसका आंसर तो मैं भी नहीं जानता हूँ यार, देख लीजिए आपको क्या आंसर सही लगता है। ऑप्शन है मथुरा शैली, अमरावती शैली, रोमन शैली या गांधार शैली। ठीक है, दो क्वेश्चन है जिसका आंसर मुझे नहीं मालूम है, मैंने देखा यहाँ पे। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन है महाराज की उपाधि किसने धारण की। ठीक है, तो महाराजाधिराज बोलिए चाहे महाराज, तो दोस्तों चंद्रगुप्त फर्स्ट ने महाराजा राजाधिराज की उपाधि धारण की है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के सम्राट थे। ठीक है, अगला है यहाँ पे भारत, एक मिनट यार, हाँ, भारतीय नेपोलियन की संज्ञा किसे दी गई, चाहे भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। हु वाज गिवन द नेम एज इंडियन नेपोलियन। दोस्तों भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, यह गुप्त वंश का सबसे महान सम्राट था समुद्रगुप्त। ठीक है, कभी कभी पूछा जा सकता है कि भारत इतिहास का स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है, तो गुप्त काल के कहा जाता है। ठीक है, गुप्त काल को भारत इतिहास का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का नेपोलियन कौन है, तो समुद्रगुप्त है। ठीक है, अगला है वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में है, ठीक है, में किसके शासनकाल में आया था, सॉरी कितने सालों के लिए आया था ना। तो दोस्तों वेनसांग जो है बौद्ध धर्म के शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था, और यह 4 सालों तक रहा था, और यह जब जाने लगा तो अपने साथ बहुत सारे बौद्ध धर्म की पुस्तक ले गए, जिसके कारण देखिए आज चीन पूरा का पूरा चीन जो है बौद्ध धर्म मानता है। ठीक है, बौद्ध धर्म मालूम है, चीन बौद्ध धर्म है जी। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे चोल शासन काल में किस कला का सबसे अधिक विकास हुआ। ठीक है, बीच में जवाही लेने लगते हैं। तो दोस्तों चोल शासन काल में किस कला का सबसे ज़्यादा विकास हुआ, तो मूर्ति कला का सबसे ज़्यादा विकास हुआ था। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है वर्मा मतलब म्यांमार, अभी जो हम लोग म्यांमार बोलते हैं ना, म्यांमार जिसकी राजधानी कहाँ है, नेपिटो, तो म्यांमार की राजधानी नेपिटो, और वही उसको पहले वर्मा के नाम से जानते थे। तो वर्मा का सर्वश्रेष्ठ मंदिर कहाँ पे है, सबसे बड़ा मंदिर, दोस्तों वर्मा का सर्वश्रेष्ठ मंदिर है आपका कहाँ पे, आनंद मंदिर, और ये एक हिंदू मंदिर है, जबकि वर्मा मैक्सिमम वहाँ पे मुस्लिम कंट्रीज है। ठीक है, फिर भी वहाँ पे हिंदू टेम्पल है आनंद मंदिर। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कि अफ़गानिस्तान में इस्लामी सत्ता को कब स्थापित किया गया। तो एग्जैक्ट आंसर तो मेरे पास भी नहीं है, 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में ही किया गया था। अब इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा वो मैं फाइंड आउट नहीं कर सकता। ठीक है, आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 10वां नंबर कि महमूद गजनवी का जन्म कब हुआ। ये बहुत डेंजर क्वेश्चन पूछ दिया दोस्तों, महमूद गजनवी का पूछा जा सकता है कि कितने बार आक्रमण किया, तो 17 बार आक्रमण किया भारत पे, सबसे बड़ा आक्रमण था सोमनाथ का मंदिर। ठीक है,
जो 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था, और इसका जन्म कब हुआ था तो इस डेट को तो नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन डेट दे दिया था, अब क्या करें। 2 नवंबर 971 होगा, ठीक है, 2 नवंबर 971 एडी। एडी मतलब ईस्वी, बीसी मतलब ईस्वी पूर्व। अब देखिए 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपके यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, जिसमें है पहला विक्रमादित्य, दूसरा है महमूद गजनवी, ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं तो हमारा तीसरा है राजा भोज, चौथा है सम्राट हर्षवर्धन। इन 4 में से किसी 2 टॉपिक पे लिखना है, ऐसे ही आपके भी एग्जाम में आएगा। बाकी सभी 15-15 मार्क्स के हैं, ठीक है, और ये 15 मार्क्स वाले किसी 4 को बनाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 आपका 20 मार्क्स का हो गया, जिसमें 10 ऑब्जेक्टिव था, 5-5 मार्क्स के 2, यानी कि यहाँ पे आपका 20 मार्क्स कंप्लीट। 80 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, इसमें से 20 मार्क्स तो आपने बना लिया, बाकी बचे 60 मार्क्स, तो 15 मार्क्स वाले किसी 4 को बनाइएगा और इसका आंसर कीजिएगा आप लोग 400 शब्दों में, 2 खड़ा पन्ना, ठीक है, इतना में कर दीजिए, आपका पेपर मस्त हो गया। 40 नंबर पासिंग मार्क्स है पूरे के पूरे 100 में से, इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों पर प्रकाश डालिए, थ्रो लाइट ऑन द कोच, ठीक है, अप डाउन फॉल ऑफ गुप्त डायनेस्टी। तो दोस्तों गुप्त साम्राज्य का पतन क्यों हो गया, क्यों समाप्त हो गया, पतन मतलब होता है समाप्ति, ठीक है, ये चीज़ बताना है। तो सबसे बड़ा जो रीजन होता है ना कि योग्य राजा की कमी, ठीक है, किसी भी साम्राज्य का पतन का मेन रीजन है योग्य साम्राज्य की कमी, दूसरा है युद्ध, ठीक है, तीसरा है आपका धन संपदा नियम कानून सब टूट जाता है धीरे धीरे, जब योग्य साम्राज्य नहीं रहता ना तो कुछ नहीं रहता है। क्वेश्चन है हर्ष प्राचीन भारत का अंतिम साम्राज्य निर्माता था, आप इस विचार तक कहाँ तक सहमत हैं, इसमें आपको अपने मत देने हैं, ठीक है, और जहाँ पे अपना मत देने बोले उस क्वेश्चन में आप अपने पूरा एकदम जहाँ तक नॉलेज है उसके बारे में लिख दीजिए, ठीक है, यहाँ पे आपको फैक्ट वगैरह कम लिख सकते हैं, लेकिन आपका मतलब आपकी बोली को बोल रहा है कि यार बताइए कुछ भी हमें, तो बता दीजिए, जब नई आंसर बने तब उस क्वेश्चन को बना दीजिएगा। अगला है मिहिर भोज प्रतिहार वंश का महान शासक था, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार का सबसे महान राजा कौन था, मिहिर भोज, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। और राष्ट्रकूट वंश का दंती दुर्ग, इसको भी याद रख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो इस कथन की विवेचना करना है, मतलब अपने शब्दों में बताना है, ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे और त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था, इसको भी पढ़ लीजिएगा, मैंने कल करवाए थे क्वेश्चन त्रिपक्षीय युद्ध के बारे में, ठीक है, जो कि गुर्जर पाल और प्रतिहार इन सब के बीच में हुआ था। अगला है पल्लव कौन थे, दक्षिण भारत में उनके राजवंश के उत्थान और विकास पर प्रकाश डालिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे चोल शासक, चोल शासक राजेंद्र की प्रथम, ठीक है, राजेंद्र प्रथम की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। और यहाँ पे 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि अरब किन किन कारणों से सिंध को जीतने के पश्चात भारत में प्रवेश करने में असफल रहे, ठीक है, तो अरब किन किन कारणों से भारत में प्रवेश नहीं कर पाए। देखिए भारत में ना सबको आके अपना मतलब क्या होता है, सबको आ जाता है मुंह उठा के, चलो यार यहाँ पे घुस जाओ, नहीं इंडिया भारत, और हम लोग रख भी लेते हैं, बहिष्कार नहीं किए हम लोग, दूसरे देश जाके अधिकार तो नहीं किए अपने ही देश में, बल्कि और धोखा खाए ना। 8 नंबर है मोहम्मद गौरी के आक्रमण के कारण और परिणाम पर चर्चा करना है कि मोहम्मद गौरी जब आक्रमण किया तो कौन कौन से यहाँ पे बदलाव हो गए, ठीक है, और जब ले गया तब कौन कौन से बदलाव हुए और क्या रीज़न था कि वह भारत पे आक्रमण किया। तो मेन रीज़न था कि यहाँ पे अपनी शक्ति को बढ़ाना और दूसरा अपना जो है धर्म है उसको प्रचार करना, ठीक है, ये 2 रीज़न थे उसके। अगला है महमूद गजनी, गजनी मूवी देखे ना आमिर खान, महमूद गजनी के चरित्र का मूल्यांकन करते हुए उसके भारत विजय का उल्लेख करें। तो ये क्वेश्चन थे टोटल आपके एग्जाम के जो पूछे गए थे, और इन सब क्वेश्चन को कर लीजिए, डेफिनेटली आपके मिलते जुलते क्वेश्चन यहीं से 1-2 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे, ठीक है। तो मैं बस इतना कहूँगा कि जितना भी क्वेश्चन है उन सब के बारे में बस थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, 50 वर्ड मैक्सिमम, अगर आपको संभव हो पाए तो ज़्यादा पढ़िए, ठीक है, क्योंकि इतना पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन अगर मैच कर जाता है ना तो सुकून मिलता है, ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड इसी तरह से मैंने सेमेस्टर 3-4 सब के अपलोड कर दिए हैं, उसको भी देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा हिंट मिलेगा आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू, बाय बाय।